नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्य के मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी सोलन के प्रांगण में सत्र 2022-23 का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें चौधरी रामकुमार मुख्य संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पाठशाला प्रबंधन समिति की अध्यक्षा मोनिका भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर विद्यालय की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। प्रधानाचार्य कुलभूषण ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रमेश, ग्राम पंचायत प्रधान चंडी बलवंत, बीडीसी सदस्य अमरलाल, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, चंडी पंचायत की जनता, विद्यालय का पूरा स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि चौधरी रामकुमार ने 5100 रुपये और एसएमसी चंडी ने 5100 रुपये की राशि विद्यालय के लिए भेंट की। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने 3100, बीडीसी सदस्य अमरलाल ने 2100, उप प्रधान विनय रतन ने 2100, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नरेश ने 2100, हंसराज इंस्पेक्टर ने 2100, बुद्धिराम सेवानिवृत्त लैब अटेंडेंट ने 2100, मनोज ने 2100, बुद्धिराम सेवानिवृत्ति पीईटी ने 1500, बीडीसी गोयला ने 1000 रुपये की राशि विद्यालय के लिए भेंट की। इसके अलावा विद्यालय के भवन की मरम्मत एवं एक बड़े हॉल के निर्माण के लिए मौके पर एसडीओ एवं जेई पीडब्ल्यूडी को आवश्यक कार्यवाही कर स्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। चंडी स्कूल में एक परीक्षा हॉल बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए शीघ्र ही राशि मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर स्थानीय ग्राम पंचायत चंडी के साथ लगते विभिन्न पंचायतों के प्रधान और अन्य लोगों ने चौधरी रामकुमार के समक्ष अपनी समस्या रखी। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। विद्यालय में रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री वॉल बनाने के बारे में बात की गई है। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि समेत सभी अतिथियों एवं लोगों का स्वागत किया है। मंच संचालन की प्रक्रिया पूर्वाह्न में कमल नयन शास्त्री एवं अपराह्न में उप प्रधानाचार्य दर्शन कुमार शर्मा ने की। बद्दी से हमारे संवाददाता शांति गौतम की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।